चलिए, कार्यक्रम की तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल बात करेंगे हमीदिया केस मामले की। एमपी के सरकारी अस्पतालों में अब शव भी सुरक्षित नहीं है। हमीदिया अस्पताल में चूहों ने शव को कुतर दिया है। बिल्कुल ठीक सुने आप, अस्पताल की इस घोर लापरवाही पर सवाल खड़े होते हैं और सरकार ने मामले की जांच के आदेश दिए, लेकिन कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है। हमीदिया में खतरा, शव को चूहों ने कुतरा, ये कैसा अस्पताल? व्यवस्था पर उठे सवाल। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में अब मुर्दे भी सुरक्षित नहीं। अस्पताल की व्यवस्थाओं पर अक्सर सवाल उठते हैं, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई। अस्पताल की मर्चरी में रखे शव को चूहों ने कुतर दिया। परिजन जब पोस्टमार्टम के बाद शव लेने पहुंचे तो मामले का खुलासा हुआ। बताया जा रहा है कि मर्चरी में बीआर सिंह नाम के शख्स का शव रखा हुआ था। परिजन जब शव लेने के लिए आए तो हैरान रह गए। शव के कानों से खून बह रहा था, चूहों ने शव के कान कुतर दिए थे। हमीदिया में इस घोर लापरवाही पर कांग्रेस सरकार को घेर रही है। शर्म से डूब जाना चाहिए शिवराज सिंह चौहान को। मर्चुरी में भी शव सुरक्षित नहीं है। आम मानव तो मध्य प्रदेश की धरती पर सुरक्षित नहीं है, ये तो दिल्ली का जो अपराध ब्यूरो का रिकॉर्ड है उसमें आ गया कि महिलाओं अबोध बच्चियों के साथ भयानकतम अपराध यहाँ हो रहा है। एक मरा हुआ व्यक्ति जो मर्चुरी में रखा है उसकी भी रक्षा नहीं हो पा रही है, चूहे कान कुतर के जा रहे हैं, शव को चूहे खा रहे हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से पूरा सिस्टम चौपट मध्य प्रदेश में हो चुका है। जो भगवान के पैसों में तक करप्शन कर देते हैं तो उनसे क्या आशा की जा सकती है कि वो अस्पतालों में करप्शन नहीं होगा। सरकारी अस्पतालों की हालत तो इतनी खराब है कि एम्बुलेंस नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, दवाइयां नहीं है, शव वाहन नहीं है और जवाबदारी किसी की नहीं है। हमीदिया में इस बद इंतजामी पर कांग्रेस हमलावर है। घटना पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का भी बयान सामने आया। उन्होंने मामले की जांच की बात कही और ऐसी घटना ना हो ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मैंने जांच के आदेश दिए हैं और ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि क्या कुछ कारण है उसका पता लगा जाए। वैसे हमने पूरी तरह से मर्चुरी को मॉड्यूलर मर्चुरी बनाने की प्रक्रिया शुरू की है और केवल यही नहीं, सभी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में भी जहां मर्चुरी है वो मॉड्यूलर मर्चुरी बने और इस तरह की घटनाएं ना हो इसके निर्देश दिए। प्रदेश के अस्पतालों में चूहों के आतंक की पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी सरकारी अस्पतालों में मरीजों और शवों को चूहों ने कुतरा है और शासन प्रशासन हर घटना के बाद सख्त कार्रवाई की बात कहता है, लेकिन इसके बाद भी ऐसी घटनाएं थम नहीं रही। इस घटना से प्रदेश की सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। कांग्रेस को भी सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। इस बीच बड़ा सवाल है कि इस घटना के बाद क्या चूहों पर लगाम लग पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। हमीदिया अस्पताल का ये मामला जो निकलकर सामने आया, इस पर लेकर लगातार चिकित्सा शिक्षा मंत्री की तरफ से कहा जा रहा है कि जांच होगी, उसके बाद कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन अभी तक इसे लेकर क्या कुछ एक्शन लिया गया है, क्या जमीनी स्तर पर कार्रवाई हुई, ये भी हम समझ लेते हैं। हमारी सहयोगी रंजना दुबे भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रही है, उनका हम रुख करेंगे। रंजना, भले ही आम लोगों के लिए मामला चौंका देने वाला हो, हैरान करने वाला हो, लेकिन हम और आप इस तरह के मामले पहले भी देख चुके हैं और इसीलिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न उठ रहा है कि आखिर कब तक इस तरह के मामले सामने आते रहेंगे। रंजना जी, अवंतिका, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये बहुत बड़ी लापरवाही है और जो सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल है वो हमीदिया अस्पताल है और वहां पर अगर इस तरीके की बातें निकलकर सामने आती हैं तो आमजन है उनके मन में कई तरह के, जो मरीजों के परिजन हैं उनके लिए कई तरह की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होंगे और इस बात को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं और ये भी कहा है कि अब मर्चुरी की जगह मॉड्यूल मर्चुरी बनाई जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल यही है अवंतिका कि प्रदेश भर के सरकारी जो
अस्पताल है उसमें तमाम इंतजाम पुख्ता क्यों नहीं है, चाक चौबंद क्यों नहीं है, क्योंकि वहां पर जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, वो वहां पर इलाज के लिए पहुंचता है। और ऐसे में कहा गया है कि जो डीप फ्रीजर है वहां पर रखे गए हैं, उनके गेट खराब हो चुके हैं, वहां पर जो चूहे है वो पहुंच रहे हैं। और ऐसे में ये घटना सिर्फ राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल की नहीं है जब इस तरह की घटनाएं सामने आई, बल्कि इससे पहले सागर में, विदिशा में भी जो शव है उनकी आंख को खाने का और नाक को कुतरने का जो मामला है वो सामने आया। ऐसे में अब जो चिकित्सा शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको जागरूक होना होगा और इस तरह की लापरवाही आगे ना हो इस बात का ध्यान रखना होगा। और इस पूरे मामले को लेकर सख्त एक्शन भी होना होगा ताकि आगे इस तरह की जो लापरवाहियां हैं वो ना देखी जा सके। बिल्कुल, चलिए देखना होगा रंजना किस स्तर पर कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।